हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाएंगे एक पार्टी स्नैक्स, क्रिस्पी पोटैटो ट्रायंगल्स। इसके लिए देखिए, मैंने मैगी का एक पैकेट लिया है। इसको बिल्कुल बारीक तोड़ लेंगे, इस तरह की बारीक। इसी तरह सारी मैगी को बारीक कर लूंगी। ये देखिए, सारी मैगी को मैंने छोटा छोटा कर लिया है। मैगी को मैगी के पैकेट में ही एक तरफ से पकड़ के बेलन से कूट लें, बहुत ही आसानी से ये छोटा छोटा हो जाता है। अब इसको साइड पे रख देंगे और आगे की तैयारी करेंगे। ये देखिए, ये मैंने 1/4 कप मैदा को पानी से ऐसे पतला घोल लिया है। मैगी का जो ये मसाला है इसको इसके अंदर डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। ये देखिए, मैदा की कंसिस्टेंसी इस तरह की रखनी है, ना ये बिल्कुल पतली है और ना ही गाढ़ी है। अब इसको भी साइड पे रख देंगे और आगे की तैयारी करेंगे। ये देखिए, 4 उबले हुए आलू को ठंडा होने के बाद मैंने ग्रेट कर लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून जिंजर पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून अनियन पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। बारीक चॉप की हुई एक हरी मिर्ची डालेंगे। बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। 1/4 कप कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी आपके आलू में कितनी नमी है उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। पोटैटो ट्रायंगल्स का मिक्सचर बनके तैयार है। अब इसे ट्रायंगल्स तैयार करेंगे। हाथ को थोड़ा ऑयल लगा लेंगे, काउंटर पे भी थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। ये देखिए, इतने थिकनेस का इसको रेक्टेंगल शेप का बना लेंगे। अब इसके पीसेस काटेंगे, इसको बाद में यूज करेंगे। अब इससे ट्रायंगल पीस काटेंगे, इनको बाद में यूज करेंगे। इसी तरह सभी पीस तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सभी ट्रायंगल्स बन गए हैं। अब ये जो हमने मैदा घोला था मैगी मसाले के साथ, एक एक पीस को लेंगे, इसमें डिप करेंगे और ये मैगी से कोट कर देंगे। मैगी मैंने आधी निकाली है पहले, जब ये फिनिश हो जाएगी तब बाकी की आधी लेंगे। इसी तरीके से सभी पीसेस कोट कर लेंगे। ये देखिए, सभी पोटैटो ट्रायंगल्स मैगी से कोट हो गए हैं। आलू और मैगी ज़्यादातर सभी घरों में पाया जाता है। अगर अचानक भी हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं तो प्लेन कटलेट के बदले अगर हम इस तरीके से बना के सर्व करेंगे तो वाह वाह हो जाएगी। अब इनको डीप फ्राई करेंगे। पोटैटो ट्रायंगल फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दें। गैस के फ्लेम को हाई पे रखेंगे। ऑयल अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब एक एक ट्रायंगल को लेंगे, ऑयल में डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से लाइट गोल्डन कलर का फ्राई करेंगे। ये देखिए, बहुत ही कुरकुरे अच्छे पोटैटो ट्रायंगल्स बने हैं। इसी तरह सभी ट्रायंगल्स फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, सभी पोटैटो ट्रायंगल्स फ्राई हो गए हैं। लीजिए, बन के तैयार हैं हमारे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी पोटैटो ट्रायंगल्स। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।